इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला ने आज पांचवी बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। गाजा पर चल रहे इसराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ मुड़ चुका है। अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है। अक्टूबर 2023, हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इसराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे, अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहां क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। यहां लेबनान के इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इसराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इसराइल के हमले के जवाब में किया। इसराइल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार घायल हालत में हैं और पास ही एक गाड़ी जल रही है। इसराइल पर इस हमले का आरोप लगा है। अब लेबनान में इस मर्डर को लेकर इसराइल को लेकर बहुत गुस्सा फैल चुका है। इसराइल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब हिजबुल्ला ने क्या किया है वो बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इसराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इसराइल के कैंप में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला।
इस बार हिजबुल्ला ने BGM 71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 3। ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इसराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי. समझ लीजिए कि इस वक्त इसराइल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकते हैं, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया ने कहा है कि अगर इसराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्ला ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इसराइल में जलजला आ जाएगा। در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. ईरान के विदेश मंत्री ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन DC तक खौफ फैला हुआ है। इसराइल को लेकर ईरान की वॉर डिप्लोमेसी इस वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बातचीत के बाद 48 घंटे में ईरान के विदेश मंत्री ने इराक का दौरा किया, वहां के राष्ट्रपति से मिले। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया फिर लेबनन गए और हिजबुल्ला की लीडरशिप से मिले। इसके बाद वो कतर आए और वहां के विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमास की लीडरशिप यानी इस्माइल हानिया से मुलाकात की। सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर ईरान और इसराइल के बीच बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है? इसराइल ने भी लेबनन बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबुल्ला को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुल्ला ने अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इसराइल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसराइल पर हमला कर देगा। अगर इसराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इसराइल पर चढ़ाई कर देगा। इसराइल और लेबनन के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इसराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इसराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इसराइल पर हमला बोल देगा। Fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle and the situation eventually calmed down. Afterwards, Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were
successfully intercepted by the IDF, but the situation on the northern border remains very tense, and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north, prepared for any eventuality that may happen. दक्षिण लेबनान और उत्तरी इसराइल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है। यहां अफरा तफरी के बीच खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है, इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच सकता है। यहां तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। इसराइल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार रखा हुआ है, तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए हैं। इसराइल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात की जा रही है। ये हमवी गाड़ियां हैं जो लगातार यहां तक फौज पहुंचाने में लगी हुई हैं। 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे ज्यादा तनाव नहीं देखा गया, और अब हिजबुल्ला की वार्निंग के बाद सबकी नजर ईरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है। इसराइल के गोलान की पहाड़ियों पर भी टैंक पहुंचा दिए गए हैं। ये जगह सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इसराइल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया, और तभी से यह इलाका इसराइल के कंट्रोल में है। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इसराइल से लेकर गाजा और गाजा से निकली ये आग अब लेबनान पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है। इस वक्त अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल की सपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। पहले जेराल्ड फोर्स और अब आइजनहावर। अमेरिका का एक्शन बता रहा है कि वो ईरान और हिजबुल्ला को हर हाल में रोकने वाला है। अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तब भेजा है जब ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इसराइल ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके तो वो भी युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। इसराइल का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के हर आतंकी का नाश। ईरान का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है। अमेरिका का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इसराइल को हिजबुल्ला से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन ईरान से बचाना है। मामला फंस गया है। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध का फंदा अब ईरान और अमेरिका के गले में भी फंसता जा रहा है। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में उतार दिया है। आइजनहावर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह किस कदर का शक्तिशाली है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल में जाने से पहले जो बाइडन के भेजे इस युद्धपोत के भूमध्य सागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीजिए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रणभेरी बच गई है। ईरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। USS Dwight D. Eisenhower CVN-69 अमेरिका ने इसराइल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है, युद्ध में कूदने की धमकी। ईरान ने कहा है कि इसराइल गाजा पट्टी पर तत्काल हमले बंद करे, वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा। बर असास दरकम अज वाकईयत मुकावमत बे जनायतकारान जंगी व हामियान आनहा दर मंतगे हुशदार मिदहम के ता दीर नशुदे جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. شاید ساعات دیگر خیلی دیر باشد.
लेबनन में हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्ला जब गाजा पट्टी से हमास ने इसराइल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इसराइल के खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित क्षेत्र में 5 इसराइली आउटपोस्ट पर हमले किए हैं। तो इस वक्त इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। अमेरिका का मदद के लिए पहुंचना भी तय माना जा रहा था। आपको आगे दिखाएंगे कि इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युद्धपोत नहीं उतारे हैं बल्कि आसमान में भी पहरा कैसे सख्त कर दिया है। लेकिन उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री का एक और वक्तव्य सुन लीजिए क्योंकि ईरान क्या करने जा रहा है। دریافتم که با توجه به سناریوهای در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود। ईरान की इसी बोली वाणी का रिएक्शन भूमध्य सागर में दिख रहा है जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के खिलाफ किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगभग तैयार खड़े हैं। जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है और आइजनहावर पहुंच रहा है। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणु हथियार अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका की इसके जरिए हिजबुल्ला या ईरान को चेताने की कोशिश है। अमेरिका इसराइल की यारी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है लेकिन उसकी डिटेल आगे क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक देश ही परमाणु शक्ति संपन्न है। फिलिस्तीन इसराइल युद्ध में तो कई परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? मंथन जारी है, यूएन खुला है, यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है। ईरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच ईरान से लेकर लेबनन तक खोल रहा है। इस समय युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड पहले से ही पूर्वी भूमध्य सागर की निगरानी कर रहा है और अब एक और महाशक्तिशाली युद्धपोत इसराइल के सपोर्ट के लिए अमेरिका की तरफ से आ रहा है। अमेरिका को भी यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर इसराइल के पक्ष में खड़े नहीं हुए तो ईरान हमास और हिजबुल्ला के बल पे इसराइल को कमजोर कर सकता है। अमेरिका खुलकर फ्रंट पर खेल रहा है और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित कर ईरान को अलग थलग करना चाहता था। ईरान इस वक्त जिस हमास के समर्थन में उतरा है उसकी आवाज बंद करना चाहता था लेकिन इस बीच ईरान ने खेल खत्म कर दिया। हमास ने इसराइल को घर में घुसकर मारा और अब इसराइल हमास को उसके घर में घुसकर मार रहा है। अमेरिका इस काम में इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हिजबुल्ला या ईरान को हमास से हाथ मिलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्धपोत भेजने का फैसला किया है। दूसरा परमाणु संचालित युद्धपोत भेजकर अमेरिका ने हमास आतंकवादी समूह के समर्थकों को एक मजबूत संदेश भेजा है और यह सुनिश्चित किया है कि यह संघर्ष गाजा से पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों तक न फैले। अमेरिका युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है या युद्ध भड़काने की सूरत में इसराइल के समर्थन के बहाने ईरान को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता है, ये तो एकदम सीधी सी बात है। जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने इसराइल भेजे हैं भूमध्य सागर में उनकी तैनाती युद्ध वाली कहानी ही बयां करती है। अब हम आपको बताते हैं जिनमें से एक आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से ये लेस है, मतलब यूएसएस आइजनहावर परमाणु ऊर्जा से लैस है। 3D रडार से लैस इसकी जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी ऊंचाई है 244 फीट यानी 74 मीटर। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइजनहावर पर एडवांस फाइटर तैनात हैं। इस पर 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। इसी के साथ में ये वही वॉरशिप है जिसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आइजनहावर में 1977 से अमेरिका नौसेना में है तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका की ओर से भेजा गया है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा है। अमेरिका इसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। इसराइल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इसराइल का अस्तित्व बच पाएगा कहना मुश्किल है क्योंकि इसराइल पर ईरान जैसे देशों की गिद्ध दृष्टि जमी रहती है। ईरान जैसे देश अब तक कबूल नहीं कर पाए हैं कि अरबों के बीच एक यहूदी देश बसा है। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को खाद पानी देकर ईरान उन्हें पालता रहा है और यही वजह है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है।
एयरक्राफ्ट कैरियर आई जनावर के पहले अमेरिका ने जराल फोर्ट को भूमध्य सागर में उतारा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जराल फोर्ट 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार की 73 मीटर से ऊंचाई से भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगाइए कितना ऊंचाई रहा है। इसकी क्षमता 1,00,000 टन से भी ज्यादा बताई जाती है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाने में यह सक्षम है। इसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चलाने के लिए 4,500 नौसैनिक तैनात कर दिए गए हैं। एयरक्राफ्ट करियर आइजनहावर और जेराल्ड फोर्ड दोनों वॉरशिप परमाणु शक्ति से संचालित हैं और क्षेत्र में किसी भी प्रमुख शक्ति से मुकाबला करने के लिए भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलों और F-18 लड़ाकू विमानों में सैन्य शक्ति रखते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि स्ट्राइक ग्रुप को आदेश दिया है कि वो भूमध्य सागर में उत्तर में अपनी पोजीशन ले ताकि इस युद्ध को बढ़ने से रोका जा सके। इसराइल युद्ध नहीं फैलने से रोकने की बातों के बीच समंदर और आकाश दोनों में सुपर एक्टिव है। इसराइल गाजा को मिट्टी में मिला रहा है और अमेरिका समंदर और आसमान से उसकी निगरानी कर रहा है। समंदर में इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट दिखा, अब आसमान में देखिए। यूएस एयरफोर्स सेंट्रल ने मध्य पूर्व क्षेत्र में F-15E लड़ाकू जेट और A-10 ग्राउंड अटैक जेट की तैनाती की घोषणा की है। यूएस सेंट्रल कमांड के एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि A-10 इस क्षेत्र में पहले से मौजूद विमान के एक अन्य स्क्वाडन में शामिल होगा। अमेरिकी वायुसेना ने क्षेत्र में F-15, F-16 और A-10 लड़ाकू विमानों के स्क्वाडन की तैनाती की घोषणा की थी। अमेरिकी बल की स्थिति में वृद्धि इसराइल की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता और इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी भी राज्य या गैर राज्य को रोकने के हमारे संकल्प का संकेत है। इसराइल कहां जाकर रुकेगा और अमेरिका ईरान या हिजबुल्ला को कब तक रोक पाने में कामयाब होगा, इस पर फिलहाल मंथन ही किया जा सकता है, क्योंकि कम से कम अभी तो कोई पक्ष रोकने वाला नहीं दिख रहा है। ईरान और अमेरिका के हित इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आकर अटक गया है। अमेरिका के प्रतिबंध से बौखलाया ईरान चाहता है कि वो अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराए, जिसके पास परमाणु बम भी है और बेहतरीन ड्रोन भी। ईरान को यह भी लगता है कि अगर वो इस युद्ध में कूदता है तो अरब देशों के अलावा चीन और रूस भी उसका साथ देंगे। ये सही है कि ईरान अमेरिका से टकराया तो जंग होगी, वो रूस यूक्रेन महायुद्ध से भी बड़ा विनाशक और मौतों वाली होगी। लेकिन इसके बीच का सच है कि दोनों युद्ध भड़का रहे हैं। ईरान हमास या हिजबुल्ला का साथ नहीं छोड़ सकता, तो अमेरिका भी इसराइल को धोखा नहीं दे सकता। अभी उसके दो युद्ध पोत ही समंदर में उतरे हैं। जरूरत पड़ी तो अमेरिका भूमध्य सागर को अपनी नौसैनिक शक्ति से मत देगा, लेकिन समस्या ये है कि ईरान अपना परमाणु बम लेकर सिर्फ इतराता रहेगा, या इसराइल के अंत के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गाजा में इजरायल की बमबारी से करीब 2,500 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें करीब 800 तो बच्चे हैं। अब सवाल है कि जब इस बमबारी को लेकर ईरान और इजरायल एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका की क्या भूमिका है? देखिए, अमेरिका भी अपना समुद्री बेड़ा लेकर भूमध्य सागर में पहुंच चुका है, तो व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। या फिर चीन ने कौन सा कदम उठाया है जो इजरायल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है? गाजा का जमीनी महायुद्ध छेड़ने वाला है। करीब 350 वर्ग किलोमीटर लंबी पट्टी अब खूनी पट्टी बनने वाली है। और इसीलिए इसराइल के प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कवच पहनकर खुद आर्मी के कैंप में पहुंच गए। नेतन्याहू इसराइल के सैनिकों से मिले, कमांडर से मिले और उनसे कहा कि युद्ध की तैयारी पूरी कर लो, महासमर का वक्त आ गया है। अब अगले चरण में गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास को चुन चुन कर मारने की बारी आ गई है।
हमास ने ऐसे वक्त में इसराइल से पंगा लिया है जब इसराइल में फिलिस्तीनियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक शख्स प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है। और यही इस वक्त नजर भी आ रहा है। फिलिस्तीन और अरब देशों के अखबार गाजा पट्टी की जो खबरें छाप रहे हैं उसके मुताबिक अब तक गाजा पट्टी के अंदर करीब 2,500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। गाजा पट्टी के अंदर अब तक 700 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, 450 से ज्यादा महिलाएं मर चुकी हैं। कई अरबी भाषा के अखबार दावा कर रहे हैं कि जितने लोग भी गाजा पट्टी के अंदर मारे जा रहे हैं उनमें से 66% महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा पट्टी के हालात इस वक्त ये हैं कि गाजा पट्टी के अंदर 35,000 फिलिस्तीनी सिर्फ एक अस्पताल अल शफा में शरण दिए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इजराइल यहां पर एयर बॉम्बिंग नहीं करेगा क्योंकि ये एक अस्पताल है। लेकिन अगर यहां भी हमास ने अपना अड्डा बना लिया तो फिर क्या होगा, ये इजराइल ही तय करेगा। फिलहाल यूक्रेन को बमबारी करके और मिसाइलों पर मिसाइलें बरसाकर लहूलुहान करने वाले पुतिन गाजा पट्टी के दर्द से तड़प रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब इसराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था करीब 48 घंटे तक पुतिन चुप्पी साधे रहे, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन हमले के 2 दिन बाद पुतिन ने बेहद रणनीतिक हमला करते हुए अमेरिका पर यह निशाना साधा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी फेल हो गई है। К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую. Израиль и Хамас в этом юдме एक बड़ा सीक्रेट किरदार रूस का भी है। इसराइल और हमास के इस युद्ध से रूस को फायदा ही हुआ है। एक तरफ सऊदी अरब और इसराइल के बीच समझौता खटाई में पड़ गया है तो दूसरी तरफ अरब के इस्लामिक देशों में अमेरिका के खिलाफ नफरत भड़क उठी है। लेबनन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जॉर्डन में 70,000 लोग अमान में उस वक्त सड़कों पर उतर आए जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में ही मौजूद थे। इसी तरह तुर्की में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इजिप्ट में भी ये आग सुलगी हुई है और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री को मेहनत करनी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जा चुके हैं और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद कूटनीतिक तरीके से पुतिन ने इसराइल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसराइल पर हमला हुआ है। हमला जरूर गलत है लेकिन गाजा पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी भी गलत है। इस वक्त सबकी नजर इसराइल की आर्मी से ज्यादा उसकी एयरफोर्स पर टिकी है। इसराइल ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे फाइटर जेट अपनी वायु सेना में शामिल किए हैं जिसकी टक्कर का कोई जहाज पूरे पश्चिम एशिया में नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से इसराइल ने अब ऑपरेशन फोकस 2 की तैयारी कर ली है। घंटे अठारह घंटे चौबीस घंटे 36 घंटे 48 घंटे 48 घंटे। इसराइल ने गाजा को कितने घंटे में फतह करने का प्लान तैयार किया है
इसराइल के मुताबिक अगले 48 घंटे हमास पर बहुत भारी है, क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इसराइल ने अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। गाजा की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इसराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा का सर्वनाश शुरू कर दिया है। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 1। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 2। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 3। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 4। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 5। ये 5 वीडियो तो बस बानगी है। इसराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इसराइल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इसराइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। इसराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इसराइल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा। इसराइल एयरफोर्स के मुताबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से अधिक हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में इसराइल की तरफ से 2000 टन बम गिराए गए हैं। वैसे तो इसराइल के एयरफोर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-16IS है, जो F-16 का इजरायली मॉडल है। इजरायल की वायुसेना 2000 से ही इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इन 23 वर्षों में इजरायल के पायलट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। दावा किया जाता है कि अमेरिका में बना F-16 लड़ाकू विमान अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी लड़ाई का रुख मोड़ सकता है। F-16 के इजरायली मॉडल में इजरायल के दुश्मनों को ध्यान रखकर कुछ खास बदलाव किए गए हैं, वो हम आपको बताते हैं। इसकी रफ्तार है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, आप अंदाजा लगाइए कितनी तेज है। और इसके साथ ही इसकी रेंज है 4220 किलोमीटर, यानी एक उड़ान से ये इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है, यानी 4220 किलोमीटर रेंज में ये दुश्मन का सफाया कर सकता है। F-16 एडवांस हथियारों से लैस लड़ाकू विमान है। इजराइल के एयरफोर्स ने इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई हैं, साथ ही साथ इसमें हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस भी इसे रखा है। ये खूबियां इसकी आपके सामने हैं। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होता है। इजराइल का यह लड़ाकू विमान 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाने के लिए सक्षम है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। दिन हो या फिर रात, गर्मी हो या फिर बरसात, अमेरिका से इसराइल को मिला ये खास लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसराइल 600 से अधिक लड़ाकू विमानों से हमले कर रहा है, साथ ही साथ 300 रॉकेट लॉन्चरों से गाजा पर बारूद की बरसात हो रही है। जंग के लिहाज से F-16 फाइटर जेट को एक विश्वसनीय और ताकतवर विमान माना जाता है। यही वजह है कि गाजा के खिलाफ हवाई हमले में इसराइल की एयरफोर्स का पलड़ा बहुत भारी है। F-16 फाइटर जेट की लंबाई 49 फीट 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट 8 इंच है।
ये एडवांस रेडार सिस्टम से लैस है। इस लड़ाकू विमान का वजन 9.2 टन है और ये एक बार में 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई है। इससे भी पहले दुनिया इजराइल के लड़ाकू विमानों का लोहा मान चुकी है। 1956 से लेकर अभी तक कैसे इजराइल के लड़ाकू विमानों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया है, इसे आगे बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले अभी इजराइल के एयरफोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझना जरूरी है। फिलिस्तीन के साथ जंग में इजराइल के लड़ाकू विमानों का सामना ईरान के फाइटर जेट से हो सकता है। इजराइल के लड़ाकू विमानों को जवाब देने के लिए सीरिया के जंगी जहाज भी सामने आ सकते हैं। साथ ही अगर युद्ध आगे बढ़ गया तो मिस्र के लड़ाकू विमान भी इजराइल से लोहा लेने आसमान में मोर्चा संभाल सकते हैं। कहते हैं लड़ाकू विमान किसी भी युद्ध का रुख बदल देते हैं। अगर फाइटर जेट बारूद बरसाना शुरू कर दे तो दुश्मन देश के लिए सबसे बड़े सिरदर्द साबित होते हैं। युद्ध की भाषा में कहा भी जाता है कि चाहे जंग का तरीका कितना भी क्यों न बदल जाए, युद्ध में बढ़त लेने के लिए लड़ाकू विमान सबसे कारगर साबित होते हैं। इजराइल के पास कुल 601 लड़ाकू विमान है, जिसमें सबसे अधिक 175 F-16 फाइटिंग फाल्कन लड़ाकू विमान है। इसके अलावा 84 F-15 ईगल विमान है, 25 F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान है। इसके साथ ही इजराइल के एयरफोर्स के पास F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमानों की तादाद 39 है। इसके अलावा 75 नए F-35 लाइटनिंग विमानों का इजराइल ने ऑर्डर दे रखा है। F-16 फाल्कन को दुनिया के भरोसेमंद फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। यही वजह है कि इजराइल के हौसले बुलंद हैं। इजराइल की वायुसेना इन विमानों से गाजा में लगातार बम बरसा रही है, मिसाइलों से हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। गाजा की धरती पर आई ये बारूदी तबाही इसकी गवाही भी दे रही है। इससे पहले भी इजराइल की वायुसेना जंग में अपनी ताकत का मुजाहिरा कर चुकी है। आज जो इजराइल की सीमाएं हैं वो साल 1967 में हुए उस खास युद्ध के बाद आकार ली, जिसमें इजराइल अकेला 6 दिनों तक 3 मुस्लिम देशों से लड़ता रहा। तब इजराइल ने एक साथ सीरिया, मिस्र और जॉर्डन को हराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। 1967 में हुई उस जंग में इजराइल ने सबसे पहले अपने लड़ाकू विमानों से मिस्र पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद 6 दिन तक भीषण संग्राम हुआ और मिडल ईस्ट का नक्शा बदल गया। इस बार भी इजराइल के एयरफोर्स ने गाजा के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका साइड इफेक्ट गाजा की धरती पर साफ साफ दिख रहा है।